बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाएगी, इसमें टाइम भी नहीं लगता। ये देखिए, चटनी के साथ आप इसे सर्व कीजिए, बिना चटनी के भी खा सकते हैं, लेकिन ये चटनी के साथ खाएंगे और ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। तो अगर आपको ये राजस्थानी मिर्च वड़ा की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल खाना हिंदुस्तानी पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उससे ये होगा कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम ये हरी मिर्च ले ली है, मोटी वाली हरी मिर्च है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इस पर हम कट लगा लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसमें जो बीज है उसे हम निकाल देंगे, इसको खाली कर देंगे, इसमें जगह बना लेंगे ताकि हम इसमें अच्छी तरह से मसाला भर सकें। ये देखिए खाली कर दिया है मैंने, बाकी को भी इसी तरह से कर लेंगे। और इसके बाद एक बैटर बना लेंगे। 1 कप मैंने बेसन लिया है और 1 टीस्पून ये अजवाइन ली है, इसे हाथ से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे, और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है ये डाल देंगे, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक लिया है ये डाल देंगे, इसे पहले मिक्स कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। 1 कप बेसन के लिए मैंने 1/2 कप पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसे और मिक्स करते रहेंगे। बैटर हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना, ना बहुत ज़्यादा पतला बनाना है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी कितना रखना है हमें। ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है हमें इसकी, लगातार ये नीचे आ रहा है, ये देखिए। तो अब इसे साइड कर देंगे। ये देखिए 2 टेबल स्पून पानी बच गया है 1/2 कप में से, और ये मीडियम साइज़ के मैंने 6-7 आलू ले लिए हैं, इसको बॉईल कर लिया है। और अब हम इसे पोटैटो मैशर से मैश कर लेंगे, आप स्पून से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको मैश कर लिया है, और अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो एक हमने कढ़ाई ले ली है, 2 टीस्पून इसमें ऑयल ले लिया है, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डालेंगे, और 1/2 टीस्पून इसमें अजवाइन डाल देंगे, 1/4 टीस्पून इसमें मैंने हींग डाली है, इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ और मसाले डालेंगे, ये मैंने 2-3 हरी मिर्च ली थी ये डाल देंगे, इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। और इसके बाद 1 टीस्पून मैंने इसमें अदरक का पेस्ट डाला है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला, और 1/2 टीस्पून ही नमक डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हल्का सा भून लेंगे, हल्का सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और इसके बाद इसमें आलू डाल देंगे हम, ये देखिए मसाला भुन चुका है अच्छी तरह से। अब हम आलू डाल देंगे इसके अंदर, जो अभी हमने मैश करके रखे थे, और आलू के साथ भी मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो आलूओं को मैंने मसाले के साथ थोड़ा सा भून लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे बारीक कटा हुआ, इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी बढ़ता है। तो इसको मिक्स कर लेंगे, इसके बाद गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे, एक बॉल में निकाल लेंगे इसको। और अब हम इसे हरी मिर्च में भरेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम ऐसे गोला सा बना लेंगे पहले लंबाई में, और इसमें भर लेंगे, आसानी से ये भर जाती हैं, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसे अच्छी तरह से भरेंगे, मसाला भरने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, बहुत मज़ेदार मसाला मैंने तैयार किया है इसका। तो ये देखिए इसे हम भर लेंगे अच्छी तरह से, मसाले को अच्छी तरह से दबाते हुए भरेंगे, क्योंकि असली टेस्ट इस मसाले का ही होता है मिर्च वड़ा में। तो सभी हरी मिर्च हम इसी तरह से भर लेंगे, ये देखिए। और अब हम क्या करेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे, और ये थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे बैटर में, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई में हमने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम मिर्च डाल देंगे और इसे इस तरह से घुमा लेंगे चारों तरफ, स्पून से डाल सकते हैं थोड़ा सा ऊपर इसके। और अब हरी मिर्च को पकड़कर, इसकी डंडी को पकड़कर एक्स्ट्रा बेसन निकाल देंगे, ये देखिए चारों तरफ बेसन की कोटिंग हो जानी चाहिए अच्छी तरह से। और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे, कितना सिंपल है बनाना, ये देखिए। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, हाई फ्लेम पर ये जल जाएगी, मीडियम फ्लेम पर हम इसको 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। देखिए बहुत अच्छी फ्राई हो गई है ये।
इसे हम गर्म गर्म सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार हुई है। इसके साथ मैंने सलाद और तीन तरह की चटनियाँ रखी हैं। ये देखिए चटनियाँ भी बहुत टेस्टी हैं। ये आप इसे बिना चटनी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन चटनी के साथ खाएंगे तो और भी ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो ये मैंने ग्रीन सॉस रखी है और इसके अलावा खट्टी मीठी चटनी है और एक ये सरसों की सॉस है। बहुत टेस्टी होती हैं ये सारी सॉसेस, तो आप इसके साथ लगा के खाइए और मज़े कीजिए। ये देखिए मैं आपको अंदर से दिखा रही हूँ, मसाला देखिए भरा हुआ है इसमें। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये खट्टी मीठी चटनी के साथ खाऊंगी। ये देखिए करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ, कितनी बढ़िया लग रही है ना। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है ये। और ये सरसों की चटनी के साथ मैं इसको खा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनके तैयार हुई है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप इसको मेरे बताए हुए मेथड से बनाएंगे तो आपकी ये राजस्थानी मिर्च वड़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होगी। आपकी वाहवाही हो जाएगी, मेहमानों को आप खिलाइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल खाना दुसानी पर आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक बार फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।